दोस्तों, आज का जो सफ़र है वो रावलपिंडी से मुल्तान, और अभी हाल ही में जो बहाल होने वाली ट्रेन है थल एक्सप्रेस 130 डाउन, थल एक्सप्रेस रावलपिंडी में प्लेटफार्म नंबर 2 से रवाना होती है 7:00 AM। रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान ये 21 शहरों में रुकेगी। मेरी है कोच नंबर 2, सीट नंबर 26, EH208310। लोकोमोटिव जो है वो लीड करेगा आज। 7 इकोनॉमी क्लास कोचेज हैं, 1 AC स्टैंडर्ड की कोच है। 130 डाउन थल एक्सप्रेस रावलपिंडी से रवाना हो चुकी है। इमरान एंटरप्राइज का स्टाफ टिकट बना रहे हैं और साथ टिकट चेक भी कर रही हैं। गोलरा रेलवे स्टेशन के ऊपर 2 म्यूजियम भी हैं। 130 डाउन थल एक्सप्रेस की हसन अब्दाल से रवानगी 4 हिस्सों में आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रावलपिंडी रेलवे यार्ड से आप सब लोगों को खुश आमदीद एक नए सफर के साथ। मैं इस वक्त पौड़ी पुल से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूं और प्लेटफार्म पर पहुंचकर आज के सफर की जो तफसील है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस रोड पर मेरा ये पहला सफर है। टिकट मैंने कल ही ले लिया था क्योंकि इस रोड पर पहली दफा जा रहा हूं और इस ट्रेन पर भी मेरा पहला सफर है। कौन सी ट्रेन है, कहाँ की जर्नी है, किराया कितना है, कौन कौन से स्टेशन आएंगे, किन किन इलाकों से गाड़ी गुजरेगी, ये सब कुछ मैं इंशाल्लाह प्लेटफार्म पर जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल थोड़ी सी वॉक है स्टेशन की जानिब, सुबह का टाइम है, वॉक कर लेते हैं। और आज है ईद का तीसरा दिन, सुबह का टाइम, मिलते हैं स्टेशन पर। रावलपिंडी स्टेशन पर जो है वो चहल पहल लगी हुई है, हसब मामूल खूबसूरत बिल्डिंग और लोकोमोटिव जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही प्लेटफार्म पर पहुंचा तो देखा 102 डाउन का रेल कार का रैक प्लेटफार्म नंबर 3 पे लग रहा है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3, नीट और क्लीन। दोस्तों, आज का जो सफ़र है वो रावलपिंडी से मुल्तान, और अभी हाल ही में जो बहाल होने वाली ट्रेन है थल एक्सप्रेस उसमें सफ़र होगा। 130 डाउन थल एक्सप्रेस रावलपिंडी में प्लेटफार्म नंबर 2 से रवाना होती है 7:00 AM, और मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का इसका टाइम है 9:35, यानी कि 14 घंटे और 35 मिनट का ये एक लंबा सफ़र होगा आज। और मज़े की बात यह है कि ये गुजरेगी 7 सिस्टर टनल से, फिर उसके बाद 4 टनल मज़ीद आएंगी, फिर थल डेजर्ट से होते हुए ये पहुंचेगी मुल्तान। सफ़र इसका शुरू होगा मेन लाइन 1 पर रावलपिंडी से अटक सिटी जंक्शन तक। अटक सिटी जंक्शन से फिर ये डाइवर्ट हो जाएगी मेन लाइन 2 पर, जो अटक सिटी से कोटरी सिंध तक है। रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान ये 21 शहरों में रुकेगी। जो बड़े बड़े शहर रास्ते में आएंगे उनमें अटक सिटी जंक्शन है, बसाल है, जंड जंक्शन है, फिर लिया, बकर, मियांवाली, कुंडिया, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, और फिर ये मुल्तान पहुंचेगी 9:35 पर। इकोनॉमी क्लास का इसका जो किराया है बर्थ के साथ वो 880 रुपये, 800 और बगैर बर्थ के 770 रुपये। मेरी है कोच नंबर 2, सीट नंबर 26, माशाल्लाह बड़ी साफ और
साफ सुथरी कोच लग रही है। दो नंबर लगे हुए हैं, एक ये नंबर लगा हुआ है और ऊपर भी लगे हुए हैं ये, तो 25 बर्थ के साथ ये बनती है सीट। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो वो फिर टिकट चेकर जो हैं वो दूर कर देंगे। तो बहुत ही साफ सुथरी ट्रेन है, नए रह गए रिफर्बिश। लोकोमोटिव देख लेते हैं कौन सा लोकोमोटिव लेके जा रहा है थल एक्सप्रेस को आज। इस रूट पर, इस ट्रेन पर जो है वो पहला सफर है, तो कोई इन्फॉर्मेशन देते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए पेशगी माजरत। लोकोमोटिव के पास पहुंच गया हूँ, बहुत पतली हालत लग रही है लोकोमोटिव की। TH208310 लोकोमोटिव जो है वो लीड करेगा आज 130 डाउन थल एक्सप्रेस को। कपलिंग हो रही है अभी लोकोमोटिव की। 7 इकोनॉमी क्लास कोचेज हैं, एक एसी स्टैंडर्ड की कोच है और एक पावर वैन। इसी प्लेटफार्म से 267 अप रावलपिंडी पैसेंजर ट्रेन हवेलियां के लिए भी चलती है, तो काफी सारे जो हरिपुर और हवेलियां के मुसाफिर हैं इस ट्रेन में बैठते थे। तो अभी उनको भाई बताया कि ये हवेलियां वाली ट्रेन नहीं है, ये मुल्तान वाली ट्रेन है। 130 डाउन थल एक्सप्रेस रावलपिंडी से रवाना हो चुकी है, प्लेटफार्म नंबर 2 से निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता, बार वक्त रवानगी। गुड बाय रावलपिंडी। इमरान एंटरप्राइज का स्टाफ टिकट बना रहे हैं और साथ टिकट चेक भी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म लग रही है। डाउन आल एक्सप्रेस अपने पहले स्टेशन कोलोरा शरीफ जंक्शन पर पहुंच रही है। ML1 पर सफर करते हुए कोलोरा शरीफ पहुंचेगी, फिर टेक्सा कैंट, हसन अब्दाल और अटक सिटी जंक्शन, उसके बाद डाइवर्ट हो जाएगी मेन लाइन 2 पे। कोट अद्दू तक मेन लाइन 2 पे सफर होगा और उसके आगे फिर कोटद्दू से शेरशाह मुल्तान ब्रांच लाइन पे सफर करेगी
थल एक्सप्रेस। गोलरा रेलवे स्टेशन के ऊपर दो म्यूजियम भी हैं, उनका डिटेल विजिट मैंने एक ब्लॉग में किया था, टूरिस्ट सफारी ट्रेन, वो आप देख सकते हैं, उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गोलरा शरीफ से रवाना हो रही है 1330 डाउन थल एक्सप्रेस। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र होने वाला है आज, सहराए थल में से आज पहली दफ़ा मैं गुजरूंगा, और उससे पहले अटक सिटी जंक्शन क्रॉस करने के बाद सेवन सिस्टर टनल्स का खूबसूरत सफ़र भी आज के हिस्से में, आज के सफ़र में शामिल है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे करनोल फतेह जंग और बसाल जंक्शन की जानिब ट्रेन के आ रहा है। एक और खूबसूरत घर, सुबह का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सख्त मौसम की उम्मीद करनी चाहिए हाल में। गंदम की कटाई हो चुकी है, टैक्सला कैंट पहुंच गए हैं, दो मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। टैक्सला कैंट से रवानगी, अगला स्टेशन है हसन अब्दाल, उसके बाद अटक सिटी, और फिर मेन लाइन वन पर इसका सफ़र ख़त्म, और स्टार्ट होगा फिर मेन लाइन टू पे अटक से आगे सफ़र। ट्रेन अभी 75 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का व्लॉग शेयर किया, उम्मीद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। 130 डाउन थल एक्सप्रेस की हसन अब्दाल से रवानगी। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग, क्रॉस करेगी। इनफैक्ट आज हर एक्सप्रेस दो दफ़ा हरो रिवर क्रॉस करेगी, अभी पहली दफ़ा ये मेन लाइन वन पर और दूसरी दफ़ा मेन लाइन टू पर अटक सिटी जंक्शन क्रॉस करने के बाद। रोड क्रॉस कर रही है ट्रेन N5। थल एक्सप्रेस अटक सिटी जंक्शन पहुंच रही है,
तकरीबन 10 मिनट लेट। और साथ ही मेल लाइन 1 से ये डाइवर्ट हो गई है मेल लाइन 2 पे। लोको शेड ऑफ कटक सिटी रेलवे स्टेशन। दोस्तों सफर तकरीबन है कोई 14.5 घंटे का, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इस सफर को इंशाल्लाह 4 हिस्सों में आपके साथ शेयर करूंगा। पहला हिस्सा यहाँ तक ही है अटक सिटी तक, दूसरे हिस्से में अटक सिटी से जंड तक जो सफर है वो शेयर करूंगा जिसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार सफ़र होगा। 7 सिस्टर टनल में से ट्रेन गुजरेगी, बहुत खूबसूरत नज़ारे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।